तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवीज़ की जिसमें आपको धमाकेदार एक्शन तो देखने को मिलेगा ही और साथ ही साथ ये मूवीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाने भी वाली हैं। और हाँ, ये सारी मूवीज़ आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज का ये काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। चलो मचाते हैं। तो आज की पहली मूवी है सेंट्रल इंटेलिजेंस, जो कि 2016 में आई थी। इसकी कहानी शुरू होती है केविन हार्ट के कैरेक्टर से, जो कि अपने कॉलेज खत्म होने के काफ़ी सालों बाद अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जो कि एक चलता फिरता पारसा बॉडी बिल्डर बन गया होता है, जो कि अपने कॉलेज के दिनों में काफ़ी मोटा हुआ करता था। और अब इसने CIA भी ज्वाइन कर ली होती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर क्या क्या धमाल मचाते हैं आप ये मूवी देख के जानो। इस मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन और कॉमेडी दोनों देखने को मिलेंगे, जिसे देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है गेट स्मार्ट, जो कि 2008 में आई थी। इसकी कहानी में एक जासूस दिखाया गया है, जो कि इंटेलिजेंट तो है लेकिन इसकी हरकतें ऐसी है कि जिसे देख के आपकी हंसी नहीं रुकेगी। भाई, इस बंदे के एक्सप्रेशन और कॉमेडी टाइमिंग इतनी कमाल की है कि आप लोग इसके फैन हो जाओगे। इस मूवी की स्टोरी है कि जब इसके देश पे हमला होने वाला होता है तो इसे एक मिशन दिया जाता है ताकि वो अपने देश को बचा सके। अब वो ये मिशन कैसे कंप्लीट करता है, जानने के लिए आप लोग ये मूवी देखो। इस मूवी में आपको द ग्रेट खली भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना और ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है गन्स अकिम्बो, जो कि 2019 में आई थी। इसकी कहानी शुरू होती है एक बंदे से, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी सिंपल सा है लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में वो मास्टर है। और एक दिन वो ऐसे ही किसी को ऑनलाइन उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि उसने जिसको उल्टा सीधा बोला होता है वो एक गैंगस्टर है, और वो उससे बदला लेने के लिए उसके हाथों में गन्स ड्रिल कर देता है। अब उसके आगे क्या होने वाला है ये तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन इस मूवी को देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और ये आपको अमेजन प्राइम पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द मैन फ्रॉम टोरंटो, जो कि 2022 में आई थी। इसकी कहानी शुरू होती है टेडी नाम के बंदे से, जो कि गलती से एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वहां पहुंचना था द मैन फ्रॉम टोरंटो को, जो कि एक डेंजरस असैसिन है। अब इन दोनों की अदला बदली में क्या क्या कांड होते हैं ये देखना आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। केविन हार्ट ने इस मूवी में जान डाल दी है, तो आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखना और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है फ्री गाय, जो कि 2021 में आई थी। इसमें दिखाया गया है कि जब कोई गेम खेलता है तो उस गेम में कुछ NPC भी होते हैं, यानी कि नॉन प्ले कैरेक्टर्स, जो कि हर गेम में बनाए जाते हैं ताकि गेम खेलना और भी मज़ेदार हो जाए। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर हमें इसमें भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है कि कैसे एक NPC गेम के अंदर अपने तरीके से काम करने लग जाता है। तो अगर आप एक गेमर हैं तो ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये आपको हॉटस्टार पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। सो आई होप कि ये सारी मूवीज़ आपको पसंद आई होंगी। ये एक्शन कॉमेडी मूवीज़ का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। और आपको इनमें से कौन सी मूवी अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।